अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आज मैं अपने बच्चों के साथ बाई राउटिंग के लिए आया हूँ, जो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी DHA के फेजिस मुल्तान में जो DHA स्टार्ट हुई है वहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर आए तो हम थे कि यहाँ पर कोई डिज्नीलैंड बनना है, लेकिन वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। बेटे मेरे ने कभी वीडियो देखी थी, वो कहीं भावलपुर में एक डिज्नीलैंड है, वो वीडियो उसकी देख के वो समझा मुल्तान में भी ओपन हो चुका है। तो मौसम काफ़ी खुशगवार हुआ है, ये चेक करें बादल। और वो सामने जो है ये ज़ू है, DHA का ज़ू, इसकी पहले भी वीडियो बनी हुई है। वहाँ पर अभी नहीं जा रहे, रश काफ़ी है, जाएंगे अब किसी और पॉइंट पर, तो सोचा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। तो ये बेटी मेरी मेरे साथ, हाँ जी ऊंची आवाज़ में, हैप्पी 14 अगस्त, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जश्न आज़ादी मुबारक। कहो जश्न आज़ादी मुबारक। शाबाश, चल आ जाए अहमद, आप भी आओ इधर, इधर आओ। ये आया जी मेरा बेटा अहमद, हाँ जी। हाय गाइस। हाय गाइस, हाउ आर यू। हाँ तो जश्न आज़ादी मुबारक तो कह दे भाई। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हाँ जी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हम सब की तरफ से आपको जश्न आज़ादी मुबारक। तो कहाँ पर आए हुए हो भाई? DHA में क्या करने आए थे? डिज्नीलैंड। क्या आए थे? डिज्नीलैंड। तो क्या बना फिर डिज्नीलैंड? कितना प्यारा है ना। क्या हुआ, क्या बता ना, बता दे क्या बना फिर। वो कौन सा डिज्नीलैंड देख लिया था आपने? भावलपुर वाला। और यहाँ वाला तो अभी बन रहा है, उसके तो अभी वो मीनार बने हुए हैं। तो मौसम कैसा हुआ होगा? बहुत अच्छा मौसम, बहुत खुशगवार है, हल्की हल्की बारिश, ठंडी हवा, माशाल्लाह सुभान अल्लाह जी। आज मौसम बहुत प्यारा हुआ हुआ है, हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी है, देखें बारिश। Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't. आखिरकार हम DHA के मेन गेट पर पहुंच चुके हैं। ये सामने मेन गेट नजर आ रहा है, अब हम अंदर एंटर हो रहे हैं। जी दोस्तों, ये सामने आपको जो गेट नज़र आ रहा है, ये मेरी यूनिवर्सिटी, जहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन, बल्कि मास्टर समझ लें, जहाँ से मैंने अपना BCS कंप्लीट किया था, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी, बाईपास चौक है ये, उसको उन्होंने कायदे आज़म अल्लामा इकबाल, फातिमा जिना और मुख्तलिफ जो हिस्टोरिकल पर्सन हैं उनकी तस्वीरों के साथ और लाइटिंग के साथ सजाया हुआ है।
रही है, ये माल ऑफ मुल्तान की बिल्डिंग है। यहाँ पर बच्चों का जॉय लैंड भी है, यानी कि फन लैंड, और फूड कोर्ट भी है। जी दोस्तों, ये मेरी छोटी बेटी मिला, ये देखो वहाँ पर तो जिस मकसद के लिए गए थे वो पूरा नहीं हुआ, तो अब ये हमारे यहाँ पर मॉल है, फूड कोर्ट भी है यहाँ पर, और बच्चों का फनलैंड भी है माल ऑफ मुल्तान के नाम से। तो सोचा बच्चों को वहीं की सैर करवा लेते हैं। इधर 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 चलो ना भैया के साथ। अंदर लेके जाना। आ जा रहे हो, आगे होके थोड़ा देखो, ऐसे इधर देखो, हाथ हिला दो। आ गई, उतर आओ भाई, आ जाओ भाई, उधर से। हाँ मजा आया, ये नहीं डरता। हाँ लगा डर, इस दफा और ड्रोन है। अच्छा जी, बच्चों के प्ले एरिया को काफ़ी अच्छी तरह सजाया हुआ है इन्होंने, माशाल्लाह लाइटिंग काफ़ी अच्छी की हुई है, बैलून्स जो ग्रीन और वाइट कलर के वो लगाए हुए हैं क्योंकि आज हैप्पी इंडिपेंडेंस डे है। तो बाकी यहाँ पर जो महंगाई के हवाले से ये है कि पहले यहाँ पर बच्चों का बैंड मिलता था जिसमें सिर्फ दो या तीन झूले नहीं इंक्लूड होते थे,
बाकी सारे जितनी दफ़ा मर्जी बच्चे बार बार यूज़ करते थे वो 350 का होता था, लेकिन इस टाइम इसकी जो प्राइस है 550 रुपीज़, 550 रुपये, और उसमें से कोई 7-8 झूले इन्होंने स्किप कर दिए हैं, एक्सक्लूड कर दिए हैं, वो नहीं आप ले सकते, तो काफ़ी कॉस्टली हो चुका है। वो चल गई, भाई अहमद ये चीज ये हुई ना पापा वाली ड्राइविंग। सही इंजॉय कर रहा है, देखें कैसे घुमा रहा है गाड़ी को। आपका ये ब्लू वाला जो है ब्लू ब्लू सर्कल वाला, नहीं जी बच्चे इस टाइम गेमिंग एंजॉय कर रहे हैं, तो ये अम्मी साहबा ये बाहर खड़ी हैं बाउंड्री से बाहर इंतज़ार में खड़ी हैं कि ये बच्चे जल्दी जल्दी फ्री हों और हम खाने के लिए जाएं। Thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know, my wrath, my blood boils over like, oh God, here goes, I lost all feeling from my head to my toes, you said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed, switches how you see things, realize something needs change. What are you eating? क्या खा रही है, क्या खा ली हो जी? दोस्तों अब बच्चों की सैर सपाटे के बाद अब खाना खाने के लिए हम एक रेस्टोरेंट में आ चुके हैं, तो ये रेस्टोरेंट है गुलगश्त एरिया में टेस्टी, क्योंकि हमारी अम्मी जी वो कहती हैं हम देसी खाना खाते हैं,
कि कढ़ाई खानी है, पिज़्ज़े पुज़े नहीं खाने। कढ़ाई खाने के लिए टेस्टी पर आए हैं, अभी वापसी इंशाल्लाह ताला जाते हैं। फिर वीडियो को एडिट करके फ़ौरन डालूँगा, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए।